आज शिव शंकर के शरीर से आग की ऐसी लपटें उठ रही हैं जैसे ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया हो। सजनों, वीरभद्र पैदा हो गए और शिव जी के आगे सिर झुकाकर किस तरह से तहस में चल देते हैं, सुनिए। झुका चाला वीर जोश में आके कन खाल के मां पहुंचा जाके लाश चल्या न
हगे मैदान और ध्यान धरे मिल पर आरती जय जयकार कर रहे रे भारती वीर भद्र के बन रे सारथी साथ जसा शरीर को हवन कुंड में झोंक दिया, प्राण पखेरे उड़ गए। इतने में ही वीरभद्र पहुंच क्यों न गए, अपनी मां की कौड़ी भर के हवन कुंड से बाहर निकाल लिया। सजनों, किस तरह से यहां के बोल सजाए हैं, के शिव शंकर का दास ठाली रकोड़ी भर के लाश आस सब छोड़ के चला भूमंडल गया हाल इस तरह दौड़ के चला रे दौड़ के चला बन के शिव शंकर का दास ठाली कौड़ी भर के लाश आस सब छोड़ के चला
बकरई बासी बारहा मासी छंद बनाता सुंदर लेदारी में गाता नुगरा होड़ते जला तेरा गुरुओं का गुरु धाम कभी जन लेते हैं सलाह लेते हैं सलाह बनके शिव शंकर का दास ठाली कौड़ी भर के लाश आस सब छोड़ते चला तेरा भूमंडल गया हाल इस तरह दौड़ते चला रे दौड़ते चला जाता है कि वीरभद्र जो अपनी माया से पैदा किया था शिवजी ने गौरा के जीवित शरीर को नहीं देख पाया, अपनी मां की लाश को लेकर के चल दिया और जगह जगह पर उस परमपिता परमात्मा की देवी देवताओं से भी बढ़ के माया होती है। जगह जगह पर गौरा का शरीर का हिस्सा गिरता चला गया और जहां देवताओं ने फूल बरसाए और पूजा स्थल बना लिए वापस आ गए वीरभद्र। शिवजी पूछ रहे हैं वीरभद्र से, कहां है गौरा तुम्हारी मां, तुमने क्या क्या वहां पर किया, सुनेंगे।
पिता शंकर की बातों को सुनकर के वीरभद्र सारी व्यथा सुनाने लगे। हाथ जोड़ होया खड़ा एकदम असुआ ते मुंह धोके कनखल की लगा कथा सुनावन थम थम के रो रो के। हाथ जोड़ होया खड़ा एकदम असुआ ते मुंह धोके कनखल की लगा कथा सुनावन थम थम के रो रो के। थम गया लाश के धोरे देख मात ने रोया क्रोध की ज्वाला भड़क उठी मन अपनाया पाखोया। जो थारा था कहन प्रभु मन पहलम नारद टोया दाढ़ी लई उखाड़ कहा ले काट जैसा तन बोया रे। सारी व्यथा सुना रहे हैं वीरभद्र। पिताजी, जैसे आपने मुझसे कहा था उस आदेश का मैंने पालन किया है। मैंने सबको परेशान कर दिया। सजनों, को लेकर के आया लेकिन लाश कहाँ है ये पूछ रहे हैं। कहाँ कहाँ कर होकर के तुम आए हो? सारे रास्ते बताए सजनों, और ये कहानी